बैटरी का निशान बना हुआ है, जैसे मोबाइल फोन का लैपटॉप का बैटरी आता है वैसा ये अमेजोन ने किया हुआ है सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डीलर कौन है, वो तो अभी पता नहीं है, देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन निकलता है। जिसकी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं शेयर कर ही दूँगा। वैसे मैं इसको अनपैक करने की कार्रवाई कर देता हूँ पहले। तो अनपैक करने के लिए इसमें तो बॉक्स ही चिपका हुआ लग रहा है, लेकिन निकाल देता हूँ। ये एक रेड टेप है, पता नहीं रेड टेप का शायद सेंसिटिव आइटम है कि गिरने पटकने से टूट सकता है, इसलिए उन्होंने रेड वाली टेप डाली होगी। तो रेड टेप और दूसरा इसमें बैटरी वाला पोर्शन दिखाया है मैंने। ये शायद रिचार्जेबल बैटरी वाला फंक्शन इसमें हो सकता है। चलो अभी कुछ दिखने लगा है और इसके अंदर क्या निकला है। एक तो ये पर्चे में कुछ हद तक पढ़ने में आ रहा है, पढ़ के क्या करना हमने देखना है। ये दीपावली के लिए अभी फेस्टिवल ऑफर में काफ़ी लो रेट में माल सप्लाई हो रहा है, गोदाम खाली करना है, नए प्रोडक्ट और बनना है, तो इन्होंने डाला है इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, क्या ये काम भी करता है नहीं करता है। एक बॉक्स इसमें भी कुछ ये है और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा ही बल्ब लग रहा है। ये देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए जगह है। मुझे तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये आउटडोर के लिए बिल्कुल ही अनफिट है और ये सिर्फ इंडोर में ही यूज कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है 8 से 10 घंटे चार्ज करना पड़ेगा। चलो चार्ज तो करना पड़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन चार्ज होगा कैसे समस्या है। स्विच इसके ऊपर है नहीं ऑन ऑफ का, समस्या है। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ चार्ज होगा जब आपका पावर अवेलेबल होगा इसमें, और पावर इसमें आएगा तो ये ग्लो करेगा, जलेगा तो ये 7-8 वाट का ही अपना पावर कंजप्शन करेगा। अब आपने दिन में इसको चार्ज करना चाह रहे हो, रात को इसको जलाना चाह रहे हो, तो संभव नहीं है। तो मैं डिसएडवांटेज में कंपनी का कोई ऐसा नहीं कि उनका रिव्यू खराब करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं एंड यूजर के फायदे वाली बात बता रहा हूं कि फायदे हैं वैसे नुकसान भी है। यदि आपने इसको फुल नाइट के लिए शाम को 6 बजे बटन ऑन कर दिया तो इसमें पावर गया तो ये जलता रहेगा। अब ये पावर जलता रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बटन तो ऑन है जब ही तो इसमें पावर आ रहा है। जब ये ऑफ हो जाएगा तो इसकी जो 2 टर्मिनल है इन टर्मिनल से घूम करके वापिस स्विच में होकर के आपको जहां से पावर आ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जिस ट्रांसफार्मर से आ रहा है जिसको डीपी बोलते हैं, वहां से इसको घूम के सर्किट पास करेगा और ये बल्ब को ग्लो करेगा। तो बिजली नहीं रहने से भी जलेगा और बिजली रहने से भी जलेगा, लेकिन बिजली नहीं रहने से कब तक जलेगा, तो इसके लिए इसमें मोबाइल फोन की बैटरी फिट की है। जैसे मोबाइल फोन की आप लाइट जला करके रखते हो तो कितना घंटा चलता है, फुल यदि फ्लैश लाइट है वो चलाओगे तो 7-8 घंटे तक चलता है, लेकिन इसमें एक लाइट नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा लाइट, ये 8.5 वाट का है और इसके अंदर आधा वाट की 17 लाइट लगी हुई है। तो उसके हिसाब से ये पावर कंजप्शन करेगा, तो उजाला ज़्यादा करेगा 8.5 वाट का, फ्लैश लाइट से थोड़ा ज़्यादा करेगा, पूरा फैला के उजाला करेगा, तो ये 3 से 4 घंटा सफिशियंट चलेगा और हो सकता है 1 साल के बाद में जाके 2.5 घंटा ही रह जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट टाइम वगैरह चाहिए तो आप कमेंट्स करके डालो।
मैं उसमें डाल ही दूंगा। बाकी इसके विशेष जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको जला करके दिखा देता हूँ कैसे जलता है। अब मैं पहले तो एक नॉर्मल बल्ब जला के दिखाता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ टेबल लैंप में जला के दिखाता हूँ। ये टेबल लैंप है एक, इस टेबल लैंप के अंदर मेरा कोई बल्ब पहले से लगा हुआ है, वो बल्ब जला के देखता हूँ चल रहा है कि चल रहा है। तो यहाँ ये मैं ऑफ करने के बाद ये ऑफ हो जाता है, ऑन करने से ऑन होता है, लेकिन ये बल्ब लगाऊंगा तो स्विच ऑफ करने के बाद क्या ऑन होगा नहीं होगा, समस्या वाली बात है ना, कि ऑफ होने के बाद भी ऑन रहेगा नहीं रहेगा लाइट, नहीं रहेगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक एब्सेंट होगा तब ही सिर्फ ऑफ होगा। तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक जाने के बाद ये कैसे काम करेगा। तो मैं पहले तो इसमें बल्ब लगा देता हूँ, ये बल्ब मैंने निकाल दिया और ये वाला बल्ब रिचार्जेबल फंक्शन वाला इसमें लगा दिया, ये लगा दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो बल्ब जल रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक पावर एब्सेंट हो गया, तो मैं यहाँ से ऊपर से मैं यहाँ से पावर प्लग ही निकाल देता हूँ। तो ये पावर प्लग निकाल दिया, तो ये मैं पावर प्लग निकाल दिया, तो ये देखो ये यहाँ का इसका टेबल लैंप का पावर प्लग ही निकाल दिया। तो ये पावर प्लग निकालने से ऑफ हो गया, लेकिन मुझे जलाना है तो क्या करना है, क्यों मेरा अभी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ में नहीं है, तो मैं इन दोनों के बीच में बटन लगा दूंगा। तो बटन लगाऊंगा तो वो बटन ऐसे टच होगा आपस में तो जल जाएगा। तो इसमें यदि चार्ज है तो मैं इसको डायरेक्ट टच करके देख लेता हूँ। तो डायरेक्ट टच क्या है, मेटल वाला है टेबल है, तो मैं यहाँ पे टेबल लगाया, देखो जल गया, मेरा मेटल पे यहाँ टच हो गया। ऐसा नहीं है कुछ भी टच करता हूँ मैं, ये यहाँ पे टच कर रहा हूँ देखो, इससे दोनों से ये जल गया। तो कहने का मतलब है यदि ये सर्किट में लगा हुआ है होल्डर में तो उस टाइम ऑटोमेटिक ही जलेगा, उस टाइम जरूरत नहीं है हमको ये शॉर्ट सर्किट करने का, सिर्फ हमारा यहाँ का स्विच ऑन रहना चाहिए। अभी ये स्विच ऑफ कर दिया, मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो नहीं जलेगा। लेकिन भाई इस टाइम चार्ज भी तो नहीं होगा, तो ये ऐसा है चार्ज जब भी होगा जब ये सर्किट ऑन रहेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर भी आएगा, तो इलेक्ट्रिक पावर आएगा और इसमें जलेगा। अब ये यहाँ पे आप ये बोलना चाहते हो कि भाई मैं मकान का क्या है, मैं MCB ऑफ करके आ जाता हूँ, मेन स्विच क्या ये जलता रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भाई समझ लेना अच्छा है। अब मैं इसको मान लो आपने ऐसा ऑन करके रखा है, चार्ज कर लिया, आपका मकान बंद है और वहां पे आपने इसको लगा के रखा, तो 7-8 घंटे ऐसे जलाएगा तो उस बंद मकान में रोशनी करेगा। लेकिन आप कहीं रोड पे फुटपाथ पे सब्जी बेचते हो, कुछ काम धंधा करते हो, वहां पे रोशनी चाहिए, या आप एक तरह से यूं मान के चलो टॉर्च लाइट ही जला के घूम रहे हो, टॉर्च लाइट जैसे जला के घूमना चाहते हो, जैसे मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाते हो ऐसे टॉर्च लाइट बना के घूमना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इस बल्ब पॉइंट को आप ऐसे हाथ में लेंगे, देखो ऐसा ले लेंगे और ऐसा एक मेटल पकड़ेंगे और इस वाले एक ही हाथ से दोनों को पकड़ लो, यहाँ पे टच कर दो दोनों पॉइंट को, तो ऐसा टच करने से सीधा जल जाएगा। ये देखो यहाँ पे जैसे दोनों को टच करेंगे ये बल्ब जल जाएगा, ये टच किया यहाँ पे जल जाएगा। तो भाई कोई मैजिक करने वाले तो कहीं बिजली के प्लग में जहाँ पावर ही नहीं है वहां पे अंगुली डाल देगा और इसके ऊपर ऐसे लगा देगा, ऐसे जीभ में गिला करेगा, अरे यहाँ पे करेगा, ये देखो बल्ब जल गया। तो ऐसा अंगुली से भी जला के दिखा देगा कोई कोई, मैजिक है ना भाई, मैं जादू ही तो कर रहा हूँ। ये देखो आप अभी यहाँ पे आप सामने देखो कि ये मेरे पास ये बल्ब है, कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, मैजिक है, मेरे पावर में मैजिक दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दिया, ये बल्ब जल गया, ये हटा दिया बंद हो गया दोबारा यहाँ पे, लेकिन ये अंगुली पे मॉइस्चर होना चाहिए उस टाइम जलेगा। तो मैजिक वाला बल्ब का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मैं किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा मैजिक करके दिखा देते हो, दिखा सकते हो कि देखो ये दो आदमियों के शरीर में पावर है, एक आदमी ने यहाँ पे टच किया, दूसरे ने यहाँ टच किया, दोनों हाथ पकड़ लिया तो ये बल्ब जल जाएगा। अच्छा इंटरटेनमेंट बढ़िया होगा, चलो ठीक है,
ओवरऑल रिव्यू के अंदर ये जो अभी फेस्टिवल धमाका के अंदर जो बिक्री हो रहा है ये सिर्फ 150 रुपए में बिक्री हो रहा है, जो बाकी काफी सस्ता है, बाकी 300 से 450 रुपए तक नॉर्मली रहता है। तो मैंने बोला कि मेरे को रिव्यू के लिए तो ऐसे टाइम पे भेजो जब बहुत ही चीप एंड बेस्ट रहता है। तो रिव्यू है, यदि मेरे को अच्छा लगेगा तो अभी इस्तेमाल करके देखेंगे, देखो कैसा है। यदि मेरे को कमेंट्स के अंदर किसी के कमेंट्स है जो फास्ट एंड फास्ट आया, वीडियो को जैसे देखते लाइक किया और कमेंट्स किया, और उसमें कमेंट्स में मुझे मेल आईडी तो पता ही चल जाएगा, तो मैं उसको भी गिफ्ट भेज दूंगा, कोई बात नहीं। 49 रुपये मेरे को कोरियर चार्ज लगेगा, ज़्यादा कुछ भी, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं किसी कंपनी का यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपकी सुविधा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये सभी कंपनी में अवेलेबल है, और प्राइस यदि लोएस्ट चाहिए तो मेरे पास लिंक में भेज दूँगा, लिंक ले लो, मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ो, और बल्ब को सही तरीके से चेक करना ना भूलें, और वारंटी को समझना भी ना भूलें।